फ्रेंड्स, साल 2023 का सबसे बड़ा इंतज़ार यानी कि वेटिंग ऑफ 2023 इज एंडेड। आपके सामने डेली ट्रिपल एस बी यानी कि DSSB डेली सबऑर्डिनेट इस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं DSSB का एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया है। DSSB एडवर्टाइजमेंट को कई कई बार में निकालती है, इसमें कई लोगों की बड़ी मेहनत लगी है। सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट आया है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 223 है। इसको जो इन्होंने पब्लिक सर्कुलेशन के लिए भेजा है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आज के तकरीबन सभी न्यूज़पेपर, अखबारात और समाचार पत्रों में ये मौजूद है। 31 जुलाई 2023 को इन्होंने जो है सर्कुलेशन, पब्लिक सर्कुलेशन के लिए भेजा है। और इसका जो नंबर है F.194/PNP1DSSB231971, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 यानी कि 2023 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। इम्पोर्टेंट डेट, ऑनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशंस रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड समरली रिजेक्टेड, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। देखिए, कोई भी फॉर्म जो भरा जाएगा वो सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, इसके अलावा कोई इसका मोड या इसका कोई तरीका नहीं है। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एज अंडर। देखिए, किस दिन से फॉर्म स्टार्ट होगा, किस दिन शुरू होगा और कब एंड होगा, ये डेट दे रखी है। फॉर्म 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा भरना, और जो एंड होगा, इसकी एंडिंग डेट होगी 15 सितंबर 2023 यानी कि ऑलमोस्ट 33 डेज का टाइम मिलेगा। फॉर्म अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है DSSB में, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 33 डेज का टाइम मिलेगा, लास्ट के 25 डेज के बाद यानी कि लास्ट के 8 डेज में, 25 डेज के बाद लास्ट के 8 डेज में फॉर्म नहीं भरा जाता, 8 दिनों में बहुत प्रॉब्लम आती है। फ़ोटो के लिए आप प्लीज़ फोटोग्राफर से अपना जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो होता है वो ले, और सॉफ्ट कॉपी की को अपलोड करें, हार्ड कॉपी यानी कि फ़ोटो से फ़ोटो खींच कर अपलोड ना करें। सबसे पहले देखिए पोस्ट कोड कौन सी है, 32/23 32/23 म्यूज़िक टीचर, ये DOE दिल्ली गवर्नमेंट का है। टोटल 182 पोस्ट है, उसके अलावा जर्नल की 69 हैं, OBC की 54 हैं, SC की 18 हैं, ST की 23 हैं, EWS की 18 हैं। दूसरे नंबर पर आता है TGT स्पेशल एजुकेटर यानी कि जिन्होंने BEd स्पेशल किया है उनके लिए है। जर्नल में 9 हैं, OBC 349 हैं, SC की 34 हैं, ST की 93 हैं, EWS की 96 हैं, टोटल 581 हैं। पब्लिसिटी असिस्टेंट, इसमें जो है वो सिर्फ एक पोस्ट है। फोटोग्राफर 3 पोस्ट हैं, सर्वेलियंस वर्कर 13 पोस्ट हैं, लेबर असिस्टेंट जर्नल 5, OBC 3, उसके बाद SC 1, ST 1, EWS टोटल 11, सीनियर साइंटिफिक बायोलॉजी टोटल 5, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स 5, लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो 3, लेबोरेटरी असिस्टेंट 7, साइंटिफिक असिस्टेंट 5, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी 9 यानी 9, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक 7, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स 2, उसके बाद देखिए लैब असिस्टेंट ग्रेड 4, इसका एडवर्टाइज नंबर है 46/23 46/23 और इसके अंदर जनरल में 47, OBC में 28, SC में 14, ST में 25, EWS में 24, टोटल 138 यानी कि 138 पोस्ट हैं। इसके बाद असिस्टेंट OT CSD, इसमें ये जो है 47/23 यानी कि 47/23 इसका एडवर्टाइज नंबर है, इसमें जो है वो जर्नल में 56, OBC 32, SC 16, ST 9 और जर्नल में इसकी EWS में 5 है, टोटल 118 हैं। टेक्नीशियन 72, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट टोटल 13, टेक्निकल असिस्टेंट में देखिए टोटल 8 है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर टोटल 1 है, रेफ्रेक्शनिस्ट टोटल
24 हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टोटल 12 यानी 12 हैं, रेडियोग्राफर 32 यानी 32 हैं, स्पीच थेरेपिस्ट 3 यानी 3 हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन 25 हैं, फिजियोथेरेपिस्ट 21 हैं। अब ये देखिए 27 पर है, 58/23 यानी कि 58/23 असिस्टेंट ग्रेड 3, ये डेली ट्रांसको लिमिटेड में है, जनरल में 11, ओबीसी में 7, एससी में 8, एसटी में 0, जनरल में 13, ईडब्ल्यूएस में 13, टोटल 39 यानी 39। इसके बाद में है जूनियर पीए इंग्लिश टोटल 7, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट 60/23, जर्नल के अंदर इसमें 111 पोस्ट हैं, एससी की ओबीसी की 63 हैं, एससी 28 हैं, एसटी 18 हैं यानी 18 हैं, ईडब्ल्यूएस 24 हैं, टोटल 244 हैं। उसके बाद पीजीटी एग्रीकल्चर मेल 1, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल 2, पीजीटी ग्राफिक्स मेल 1। अब देखिए पीजीटी संस्कृत 64/23 है, इसके अंदर जनरल में 5 हैं, ओबीसी में 8 हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस 0, टोटल 13। पीजीटी संस्कृत फीमेल टोटल 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है ईवीजीसी मेल, देखिए ईवीजीसी के अंदर जो है वो एमएचआई होता है साइकोलॉजी में, उसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा होता है जो कि सिर्फ जामिया इस्लामिया से होता है दिल्ली में। इसमें जो पोस्ट हैं वो देखिए आप, जर्नल में 59, ओबीसी में 53 यानी 53, एससी 14 यानी 11 सॉरी एससी 11 यानी कि 11, एसटी 14 यानी 14, ईडब्ल्यूएस 1 138 पोस्ट हैं। उसके बाद में 67/23 67/23 ईवीजीसी फीमेल, क्वालिफिकेशन इसकी भी सेम होती है, और इसके अंदर टोटल जर्नल में है 5, ओबीसी 29, एससी 2, एसटी 14, ईडब्ल्यूएस 0, टोटल हुई 50, टोटल 50। अभी देखिए पीजीटी इंग्लिश मेल, इसमें भी कमाल हो गया है, ये देखिए 68/23 पीजीटी इंग्लिश मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है कि दिल्ली गवर्नमेंट का है, इसके अंदर 12 जर्नल अनरिजर्व ओपन कैटेगरी है, 4 ओबीसी, 2 एससी, 3 एसटी, 0 ईडब्ल्यूएस, टोटल 21 वैकेंसीज। नेक्स्ट 69/23 पीजीटी इंग्लिश फीमेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टोटल पोस्ट 8, जर्नल 4, ओबीसी 1, एससी 0, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 1। नेक्स्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इट्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एजुकेशन विंग है उसकी जॉब है ये, 70/23 इसका जो है वो कोड है, और जर्नल की यहाँ पर 5 यानी कि 5 है, एससी 1, एसटी ईडब्ल्यूएस और एससी की 0 है, सॉरी यहाँ ओबीसी में 1 है, टोटल 6 है। नेक्स्ट होम्योपैथिक कंपाउंडर 71/23 ये भी एनडीएमसी की है, टोटल यहाँ 9 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम देखें टोटल के अंदर जर्नल के लिए 528 पोस्ट हैं, 528 जर्नल अनरिजर्व ओपन भी कह सकते हैं इसको, ओबीसी 714, एससी 168 यानी कि 168, एसटी 231, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 200 यानी कि 200, और ये 1841 टोटल पोस्ट हैं। अभी देखिए क्या करें, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट https://www.ssbonline.nic.in। आपका सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल से, मैसेज से, फ़ोन से, ईमेल से आप पूछ सकते हैं, आपको जो है वो रेलेवेंट जवाब दिया जाएगा। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 15 September 2023 टिल 11:59 रात 11:59 पर। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट DSSSB's वेबसाइट, देखिए ये वेबसाइट है, इसके लिए करंट वैकेंसीज के लिए उन्होंने दे दिया है DSSSB.delhi.gov.in/current-vacancy/delhi-subordinate-services-selection-board टू चेक द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड कन्फर्म देयर एलिजिबिलिटी फॉर द अबव वैकेंसीज बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी intimated in due course only through the website of the board. Further, candidates is advised to visit website
board on regular basis to get updates. The board shall not be responsible for any lapse on the part of the candidate in this regard. आप लगातार वेबसाइट देखते रहिए, वेबसाइट उन्होंने बता दिए, वहीं से एडवर्टाइजमेंट लीजिए, कब एग्जाम होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल से भी मिलती रहेगी। डी ट्रिपल एस पी का पार्ट वन यानी कि पार्ट ए कंपलसरी है, उसका क्या सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, उस पर भी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी देखिए कहाँ से इन्होंने इशू किया, डी आई पी 01062324 और ये इशू किया है डेप्टी सेक्रेटरी पीएनपी 1D SSB। ये देखिए इसका हिंदी वर्जन भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, FC18 इंस्टीट्यूशनल एरिया कड़कड़डूमा दिल्ली। इसके अंदर सारी चीज़ें हिंदी में हैं, ये भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, दोनों की PDF आपको मेरे टेलीग्राम के अपडेट ग्रुप पर मिल जाएगी। इसी तरह की कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप कॉल से मैसेज से आप पूछ सकते हैं।